नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल आज का डेमो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सैमसंग का नया 2022 का कन्वर्टेबल 3-in-1 जो कि आता है डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। तो सैमसंग ने इस नए मॉडल के अंदर क्या क्या फीचर्स दिए हैं, क्या क्या सैमसंग आपको इसके अंदर नया दे रहा है और क्या क्या आपको इसके अंदर नए नए फीचर्स मिल जाते हैं, तो सब उन सब चीज़ की हम एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी लुक से। लुक के अंदर आपके सामने ये स्टेनलेस स्टील के डोर के साथ आता है, फ्लावर प्रिंट के अंदर ये नया वाला मॉडल है और सामने की तरफ ही डिस्प्ले दिया हुआ है इसका, जो यूज़र कंट्रोल के लिए होता है। मतलब आप इसके जो टेम्परेचर के कंट्रोल वगैरह है वो बाहर से ही कर सकते हो, बार बार आपको फ्रिज खोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसके बहुत सारे जो स्पेसिफिकेशन है वो मेंशन की हुई है कंपनी ने, एक एक करके हम उनकी भी बात करेंगे। ये सारी स्पेसिफिकेशन इनकी लास्ट में बात करेंगे। डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है ये वाला फ्रिज मॉडल। बात करें अगर इसके इंटीरियर की, तो स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है आपको इसके अंदर, शेल्फें काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं, चार चार शेल्फें मिल जाती हैं, 1, 2, 3, 4 शेल्फें मिल जाती हैं, जिसमें से एक शेल्फ जो है इजी स्लाइड के साथ आती है, मतलब आप उसको इजीली स्लाइड कर सकते हो। और बात करें इसके डोर की, तो इसके अंदर भी आपको बॉटल गार्ड काफ़ी सारे मिल जाते हैं। यहाँ पर आप 2 लीटर की बॉटल बड़े आराम से रख सकते हो, बड़ी बोतलों के लिए अलग से ट्रे दी हुई है। यहाँ पर आप अंडे नींबू वगैरह उसके लिए डबल स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे आप 1 लीटर की बोतल बड़े आराम से रख सकते हो और ये इसका फ्रीजर सेक्शन के अंदर आपको अलग से स्पेस दिया हुआ है। तो ये थे इसकी लुक। अब बात करते हैं इसकी एक एक करके फीचर्स की। तो फीचर्स के अंदर जो सबसे इसका मेन हाईलाइट फीचर है वो है कन्वर्टेबल 3-in-1। 3-in-1 कैसे है? एक तो जैसे आप इसको नॉर्मली जैसा कि आप देख रहे हो वैसे ही आप इसको चला सकते हो। ऊपर आपका जो पोर्शन है वो एज ए फ्रीजर काम करेगा, नीचे वाला जो पोर्शन है वो आपका एज ए फ्रिज काम करेगा। एक तो है इसके अंदर ये वाला मोड। सेकंड है इसके अंदर, अगर आपको पास जैसे कई बार ज़्यादा सामान हो जाता है, आप चाहते हो कि मेरा जो फ्रीज़र वाला पार्ट है वो भी एक फ्रिज का काम करे, तो उसके लिए आपने करना क्या है, जो इसका यूज़र कंट्रोल पैनल है इसके अंदर आपने जो मिड वाला बटन है, बीच वाला बटन देखिए, इसके अंदर आपने इस वाले बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना, फ्रीज़र फ्रिज वाले बटन को इस तरह से। तो अभी जो आपका ये जो है कन्वर्ट हो गया है, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो आपका एक फ्रिज बन गया है, फ्रीजर के बजाय फ्रिज हो गया है। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। इस चीज़ को आप कैसे देख सकते हो कि आपका कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है? इसमें आप देख सकते हो जो फ्रीज़र साइड की जो टेम्परेचर है उसमें कोई भी लाइट नहीं है, जो फ्रिज साइड की लाइट है उसके अंदर आपको देखिए यहाँ पर 3 डिग्री पर आया हुआ है। इसका मतलब है जो फ्रिज वाला सेक्शन है वो ऑन है और जो ये बीच में ये साइन दिया हुआ है, अगर इसके ऊपर लाइट हुई आई हुई है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका फ्रीज़र पार्ट है वो कन्वर्ट हो चुका है फ्रिज के अंदर। थर्ड वाला जो मेन लास्ट इसका ऑप्शन है उसके अंदर आप इसके पावर कूल या पावर फ्रीज मोड के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपने करना क्या है, दोबारा से इसका जो ऊपर वाला पोर्सन है उसको नॉर्मल मोड पर लेके आना है। ये देखिए, ये आपका जो है फ्रीज़र वाला ऑन हो चुका है, यहाँ पे लाइट आ चुकी है। अब आपने क्या करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरा जो आइस बॉक्स है उसके अंदर एकदम से एक्स्ट्रा कूलिंग हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो सबसे लेफ्ट वाला बटन है पावर फ्रीज का बटन, आपने इस बटन को 3 सेकेंड के लिए, लिखा भी हुआ है फ्रीज़र वाले बटन को 3 सेकेंड के लिए दबा के रखना है। उसके बाद जो ये लाइट है, फ्रीज़र तो ऑन ही है, साथ में ये पावर चिलो पे चला गया है, मतलब ये वाला आइकन ऑन हो जाएगा, 31% एक्स्ट्रा फ्रीज़र पार्ट के अंदर कूलिंग हो जाती है, जिससे आपको आइस क्यूब जो है बड़ी जल्दी मिल जाएंगी। उसके बाद पावर कूल का इसके अंदर अलग से फीचर मिलता है। उसके अंदर क्या है, ये देखिए यहाँ पे जो ये बटन है सबसे राइट वाला फ्रिज वाला, इस पार्ट में जो ये बटन दिया हुआ है, इस बटन को आपने अगर 3 सेकेंड के लिए आप प्रेस करके रखते हो, ये देखिए, तो ये वाला आइकन जो है आपका ऑन हो जाएगा, फ्रिज भी ऑन है और ये वाला आइकन भी ऑन है। इसका मतलब जो है जो नीचे वाला पार्ट है उसके अंदर आपकी 31% एक्स्ट्रा कूलिंग हो गई है, यानी कि जो फ्रिज वाला पोर्शन है उसके अंदर आपकी 31% एक्स्ट्रा कूलिंग हो गई है। तो इस तरह से आप इस फ्रिज के 3 जो कन्वर्टेबल मोड हैं अलग अलग, उनका लाभ उठा सकते हो। इसी के साथ अलग से और फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं आपको इसके अंदर, ये देखिए, 2-स्टार रेटिंग के साथ आता है ये 2022 की जो नई स्टार रेटिंग है। इसका जो मॉडल है वो यहाँ पे देखिए, ये मेंशन मैंने कर रखा है, RT28B3822QB/HL2022 ये है। और इसकी जो ग्रॉस वॉल्यूम है वो आप देख सकते हो 253 लीटर है और जो स्टोरेज वॉल्यूम है वो है 234 लीटर, यानी कि स्पेस भी आपको बहुत अच्छा मिलता है इसके अंदर।
10 ईयर इसके ऊपर कंप्रेशर की वारंटी मिलती है, डिजिटल इन्वर्टर के साथ आता है। डिजिटल इन्वर्टर हमने पहले भी डिस्कस किया है, उसका बेनिफिट ये है कि जितना आप सामान रखोगे उसी के हिसाब से लाइट कंज्यूम होती है, हीट के अकॉर्डिंग ही अपनी कूलिंग को एडजस्ट करता रहता है। इसके अलावा आपको कनेक्ट इन्वर्टर का अलग से ऑप्शन मिल जाता है। कनेक्ट इन्वर्टर के अंदर होता क्या है, आप इसको घर के जो सिंगल बैटरी का इन्वर्टर होता है उसके ऊपर बड़े आराम से आप इसको चला सकते हो, क्योंकि ये 2 CFL से भी कम लाइट पर चल जाता है, इसीलिए आप इसको नॉर्मली इन्वर्टर पे चला सकते हो। इसी के साथ आप इसको, ये सोलर कनेक्ट के साथ भी आता है, आप इसको सोलर इन्वर्टर पे भी बड़े आराम से चला सकते हो। इसके बाद आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन मिल जाता है। इसका बेनिफिट ये है कि आपको अलग से कोई भी वोल्टेज या स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है। फ्लक्चुएशन होती है वोल्टेज के अंदर, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी ने 100 से 300 वोल्ट का ऑलरेडी इसके अंदर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन दिया हुआ है। इसके अलावा VDA एक ग्रुप आता है जिसके द्वारा ये टेस्टेड किया हुआ है। इसकी जो कंप्रेशर की लाइफ है वो भी 21 ईयर है। तो ये थे इसके सारे फीचर्स। उसके बाद इसके अंदर अलग से आपको डिओडोराइजिंग फिल्टर वगैरह भी मिल जाता है। नीचे आपके जो बेस ड्रॉर मिल जाता है, आपने नॉर्मली देखा होगा कि डबल डोर फ्रिजों में नीचे आपको कोई भी अलग से ट्रॉली वगैरह नहीं मिलती है, इसके अंदर ये बेस ड्रॉर के साथ आता है, जो इसमें भी आप ड्राई आइटम जो है वो रख सकते हो। उसके बाद साइडों से बात करें तो ये आता है आपका लेदर कोटिंग के साथ। ये देखिए साइडों से ये सारा का सारा लेदर कोटिंग के साथ आता है, इसके ऊपर कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ते और बैक साइड से ये पूरा नीट एंड क्लीन आता है। बैक साइड से पूरा नीट एंड क्लीन होता है और इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह नहीं जमता। डबल डोर को हम फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। फ्रॉस्ट फ्री का मतलब ये है कि जैसे सिंगल डोर में ना साइडों में एक्स्ट्रा बर्फ़ जम जाती है, वो डोंगा आपका जो बर्फ़ वाले बर्तन होते हैं वो चिपक जाते हैं, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें जो है हवा से कूलिंग होती है, तो इसके अंदर देखिए कूलिंग स्टार्ट भी हो गई है। आप जो भी बर्तन वगैरह आइस के लिए जो भी आप रखोगे यहाँ पे मटेरियल, तो वो आराम से चिपकेगा नहीं, क्योंकि ये सारा पोर्शन जो है इनका प्लास्टिक के अंदर आता है। इसकी अगर प्लास्टिक की क्वालिटी की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आता है। जो इसके बोतल गार्ड वगैरह हैं वो बहुत ही अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के साथ आते हैं। इसी के साथ आपको इसके अंदर आपको आइस क्यूब बॉक्स भी मिल जाएगा, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इसके अंदर आपको आइस क्यूब बॉक्स भी मिल जाता है कंपनी की तरफ से। ये एक मूवेबल आइस मेकर है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपको आइस क्यूब्स की जरूरत है तो आप इसको बड़े आराम से यहाँ पे रख सकते हो इस तरह से। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको और सामान रखना है, तो आप इसको निकाल के कुछ भी सामान रख सकते हो। ये भी आपको कंपनी साथ में ही दे रही है। तो ये थे इसके फीचर्स, ये सब कुछ आपको इसके साथ मिल रहा है। तो कैसा लगा आपको ये 2022 का नया कन्वर्टेबल 3-in-1 डिजिटल इन्वर्टर वाला रेफ्रिजरेटर, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वो सब बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ऐसी नई नई प्रोडक्ट की अगर आप वीडियो डेमो या वीडियोस आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।